हेलो, कैसे हो सब? दिन के बज रहे हैं अभी 11। तो आज मैं कुछ दिखाना चाहती आप लोगों को बना करके। मैंने कि क्यों नहीं बता दूं। तो आज हम बनाएंगे, जो घर में हम लोग चावल बनाते हैं रोज़, उस चावल से करेंगे आज हम लोग फेशियल। तो उसके लिए क्या करना हमें, मैंने करीब 15-20 मिनट पहले ये चावल को भिगो के रख दी थी। जो हम जैसे मतलब घर में पक्का चावल नहीं लेना है, कच्चा चावल लेना है। तो फिर हम कर देते हैं गैस को ऑन और इसको पकाना है हमें, क्योंकि ये हमारा एकदम से फूल चुका है। ये देखिए, तो मैं इस पे चढ़ा देती हूँ क्योंकि चावल कम है, ज़्यादा लंबा टाइम इसको नहीं रख सकते, 2 या 3 दिन यूज कर सकते हो घर में बना के। बस एक ढक्कन रख दो आप इस पे। ये मैंने इस पे ढक्कन रख दी। चावल धीरे धीरे बनता जाएगा, तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ जैसे चावल बन जाता है तो। ठीक है, तो ये देखिए हमारा चावल बन चुका है ऑलरेडी। तो अब मैं ये दिखा दूँ, ये देखिए बिल्कुल जैसे खिचड़ी बनता उस टाइप में। अब मैं इसको, ये मैंने छन्नी ले ली हूँ, इसमें मैं छान लेती हूँ और सारा लिक्विड नीचे आ जाएगा पानी, और चावल ऊपर रह जाएगा। अगर तो छान के दिखाती हूँ, तो ये देखिए मैंने इसमें चावल छान ली और ये हो गया। आप उसका मार निकल गया, तो मार का भी हम कैसे यूज करेंगे वो भी बताएंगे। तो इसमें मैं डाल रही मिक्सी में, इसको मैं थोड़ा सा पीस लूँगी क्योंकि हाथ से भी मिक्स हो जाता है, वो गिरता रहता है फेस से नीचे। और मैं ये बार बार बोलती हूँ, कुछ भी जो अगर मैं बताती हूँ आप लोगों को, तो मैं अपने ऊपर पहले इसको आजमाती हूँ, फिर मुझे अगर सही लगता है तभी मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए मैं थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालूँगी इसमें, थोड़ा सा शहद डालूँगी। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा शहद ले ली, मेरा लिक्विड नहीं है क्योंकि मेरा प्योर है, मेरे नीम के पेड़ है उस पर से मैं उतरवाती हूँ, मतलब हर साल निकल ही जाता है। तो ये देखिए मेरा प्योर है, और इसमें मैं मतलब 1 से 1.5, मतलब 2 चम्मच, छोटा चम्मच है, 2 चम्मच इसमें मैं दूध डालूँ। तो मैंने इसमें दूध भी डाल दी 2 चम्मच, शहद बीच में डाल दी हूँ कि मिक्स हो जाए। एक बार मैं पीस के फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए ये मेरा बिल्कुल क्रीम जैसे तैयार हो चुका है। और ये मार को, इसी को, ये तो गाढ़ा है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, मैं बताती हूँ। तो आप लोग बने रहो और फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। हेलो, जैसे मैंने बताई थी आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी कि वहाँ पे मैंने सब कुछ मैंने दिखाई हूँ कैसे पीसना है क्या करना है। तो ये देखिए जो मेरा क्रीम है वो तैयार हो चुका है, और इसकी मार ये बची हुई है। ठीक है, और ये मैंने इतने कटोरी में लेके रखी हूँ कि अभी मैं यूज करूँगी। जो आप नहीं यूज कर रही हो, अभी मैं मुँह बिल्कुल साफ पानी से बस धो के आ गई हूँ, और थोड़ा सा ड्राई ड्राई लग रहा था, मैंने गुलाब जल थोड़ा सा हल्का सा लगा ली हूँ। ये जो हमारे पास, क्योंकि हम इतना सारे तो यूज करेंगे नहीं, इतना जो बचा हुआ है, तो इसको हम ऐसे मतलब जो होता है ना, जिसमें एयर टाइट वाला जो ढक्कन होता है मतलब टिफिन वगैरह, ऐसे रख देंगे। इसको 2-3-4 दिन आप यूज कर सकते हो आराम से। एक दिन बना लो, रोज़ रोज़ तो बनाया नहीं जाएगा। और जिनके घर में रोज़ चावल बनता है तो आराम से हाथ से भी मेस करके लगा सकते हैं। तो ये हमने रख दिया, इसको रख देंगे फ्रिज में। और ये हमारा क्रीम है, ये बिंदी उतार देते हैं और इसको पूरा लगा लेते हैं फेस पे ऐसे ऐसे करके। और बाल को मेरे पास था नहीं कुछ लगाने वाला कि जिसका कवर हो जाए, तो आपके ये देखो सूखा है ना, तो मुंह में चिपक भी रहा है आराम से, आंख में नहीं घुसना चाहिए। तो पूरा लगा करके और आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, तो ये जी ये देखिए पूरे मुंह पे मैंने एक एक लेयर लगा ली हूँ। और जैसे मैंने पीस के बताया इतना ये बच गया है, तो मैं इसको एयर टाइट डब्बे से, क्योंकि जल्दी जल्दी सूखने लग जाता है ना, ये एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखती हूँ। चाहे तो इसको, मेरे पास बहुत सारे बच गए थे लगाने के बाद, मैंने इधर भी लगा ली हूँ, हाथ वगैरह पे भी आप आराम से लगा सकते हो। मार मैं यूज नहीं करती हूँ, और मतलब क्योंकि मैं ये चावल वाला यूज कर रही हूँ तो मार नहीं यूज कर रही, तो आप मार भी यूज कर सकते हो। और आँखों के ऊपर जो है ना, आपको हल्का हल्का ही लगाना है आँखों के ऊपर, क्योंकि आईब्रो वगैरह भी टूट जाते हैं ना, ये टाइट हो जाता है। तो ये देखिए मैंने आराम से पूरा स्किन पर लगा ली हूँ, और क्योंकि ये सूखता जा रहा है, जल्दी पतला लेयर था ना तो सूखता जा रहा है। आप इधर उधर भी, कान के इधर भी उधर भी, क्योंकि ये गंदा ही मतलब अभी हो जाता है, धूप में बैठते हैं ना अपन, इससे आप हाथ हाथ पे भी आराम से इसको यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ ज़्यादा यूज कर रही हूँ क्योंकि आप में थोड़ा सा कलर का है इधर। तो ये देखिए पूरा मैंने लगा ली हूँ, आप आराम से इसको, और जो भी बचा है इसको आराम से आप जैसे मैंने बताई थी आपको एयर टाइट ढक्कन वाले डब्बे में रख के आराम से रख दो, 3 से 4 दिन आराम से इसको यूज कर सकते हो ठंड में। और गर्मी में क्या पता, 2 दिन में गर्मी मैंने यूज नहीं की हूँ, तो गर्मी में 2-3 दिन में भी ये हो जाए पता नहीं है।
तो आप ठंड के लिए 2-3 दिन मतलब 4 दिन, और गर्मी में मोस्टली 2 दिन तो चले ही जाएगा फ्रिज में रखोगे, 2 से 3 दिन आराम से नहाने से पहले इसको आप लगा लो, एक एक दो दो लेयर। और ये गिरता भी नहीं है, सबसे ये है देखो पतला है ना पिसा हुआ, तो गिरता नहीं है। इसको कम से कम 40 से 50 मिनट रखेंगे, तब तक आप घर का काम निपटा लो। मैं गले गले पे लगा ली हूँ, ये कपड़ा इसे ख़राब नहीं होता है, इसलिए जो भी पहन रखा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलते हैं 50 मिनट के बाद आप लोगों से, ठीक है जी। आप ये रहो, ये देखिए पूरा सूख चुका है, तो मैं धो करके आती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पूरा ये देखिए गला वगैरह पूरा ही सूख चुका है। तो ये देखिए मैंने इसलिए नीचे का मैंने हिस्सा नहीं हटाई कि आप लोग वो लोग कुछ और लगा के आ गए होंगे। ये देखिए इसको पहले क्या करना है, आपको पानी डालना है इस पर हाथ से ऐसे ऐसे करके, क्योंकि रगड़ना नहीं, टाइट हो जाता है ना, तो मतलब एकदम से छूटता नहीं है। तो पहले हल्के हल्के पानी से मतलब उसको ऐसे ऐसे करके हटा लो। और ये देखिए इधर मैं पानी से कर चुकी हूँ टावल लेकर के, क्योंकि हाथ से एकदम से जो आप चाहोगे ना बिल्कुल क्लीन, वो हाथ से नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं सूखा रह जाता है। ये देखिए मैंने ऐसे टावल गीला कर ली हूँ, इस टावल से आराम से ये देखिए ऐसे घूम रही थी, चमक रहा है ना, शाइनिंग एक अलग ही दिख रही है बस। और हमने क्या किया है तो बस ये देखिए गला भी आपको साफ लग रहा है पहले से, है ना। तो ये देखिए हमने कुछ नहीं किया, और थोड़ा सा किया जब ये सब कुछ आप पोंछ लोगे तो थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा स्किन लगता है। तो आपको क्या करना है कि देखिए अच्छे से हो गया। अब इस पर साबुन नहीं लगाना, जब आप नहाओगे ना साबुन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर सारा ही आपका बेकार हो जाएगा साबुन लगाने से। हम तो मुंह साफ करने के लिए साबुन लगाते हैं ना, तो ये आप खुद देख लीजिए कि चेहरे का क्या है, कैसा था और कैसा लग रहा है। आप अगर आपको करना है मुँह साफ, आप ये रेगुलर कीजिए, मतलब अगर एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हो, जो बना हुआ पेस्ट है उसको तो मतलब आप रोज़ कर लो, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर 2 दिन गैप छोड़ दो, फिर ये चावल का कहीं कहीं दाना लगा हुआ है फिर आप कर लो। और ये मेरे मुंह तो बहुत चमक रहे हैं, आप ज़रूर ट्राई करना। घर में चावल तो बनते ही हैं, चावल बनाने में कोई ये नहीं है। तो ये देखिए ये साफ़ कर ली मैंने अच्छे से, और ये हाथ का कलर देख, कभी मेरे टाइम मिलेगा तो हाथ को भी ज़रूर करूँगी। तो मेरे तो मुँह बहुत साफ लग रहा है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। आपके पास शहद ना हो, दूध और चावल को भी पीस करके आप आराम से कर सकते हो। और ये जब सूख जाएगा, साबुन तो नहीं लगाना है जैसे मैंने बताई, आप जैसे अभी नहाने से पहले कर लेना, क्योंकि ये गिर पड़ जाता है ना, थोड़ा चिपचिपाहट सी आ जाती है। जब ये थोड़ा सूख जाएगा अच्छे से, उसके बाद कोई भी जो आप यूज करते हो क्रीम डेली बेसिस पे, आप वो आराम से मुँह में लगा लो, और कुछ भी नहीं करना है, रेगुलर करो, ये चावल से मतलब आराम से हो जाएगा। और दूसरी बात, ये पता है स्किन टाइट रखता है, जैसे लाइंस बन जाते हैं ना हमारे यहाँ पे, वो लाइंस नहीं बनने देंगे, ये स्किन टाइट रखता है मतलब। तो इसलिए आप ये वाला फेशियल करिए, चावल वैसे भी बहुत फायदेमंद होता है। तो आप लोग कीजिए, मुंह सूख जाता है, फिर क्रीम व्रीम लगा लीजिए। कैसा लगा ये वीडियो तो ज़रूर बताना, अगर वीडियो पसंद आए तो एक एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है जी। और मुंह सूखने के बाद अच्छे से इसको आराम से, एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार आराम से आपको पोंछना पड़ेगा, क्योंकि चावल है कहीं ना कहीं लगा रह जाता है। तो इसीलिए अगर मेरे चैनल पे नए हो आप लोग तो एक एक सब्सक्राइब तो कर ही देना। कैसी लगती है मेरी वीडियो तो आप लोग ज़रूर बताना, जब तक बताओगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को कैसे लगे। तो मैं ऐसी ऐसी वीडियो कुछ कुछ घर की टिप्स से अगर आप लोगों को पसंद आए, जैसे मैं अभी ये होम वाला ही बताई, इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है, तो जैसे मुझे जो मतलब लगेगा कि हाँ मैं ये आजमा चुकी हूँ और मेरे से होता है, तो अगर मुझे सब कुछ सूट, जैसे मेरे स्किन पे कुछ भी नहीं सूट करता है, तो मेरे लिए ये घर की जो चीज़ होती है टिप्स वगैरह तो आराम से कर लेते, इसमें मुझे कोई नुकसान नहीं होता है। तो जी आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो बाय बाय, मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग में फिर से आप लोगों के से। तो आप लोग देख लीजिए, पास से ही देख लीजिए, ठीक है ना, कोई क्रीम ना कुछ, तो बस यही है। तो बाय बाय जी, मिलेंगे एक नए ब्लॉग में हम लोग।